Hello students, welcome back. Today we are going to start our next chapter, The Crisis of Democratic Order. In this chapter, we will discuss about the period of emergency in India. As we all know, 1975 का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था. अब वो इमरजेंसी क्यों की गई थी, उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए और ड्यूरिंग द इमरजेंसी कौन कौन से स्टेप्स इंदिरा गांधी के द्वारा उठाए गए थे, इन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले हम शुरुआत अपनी करेंगे फ्रॉम द बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, की इमरजेंसी जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, राइट. अब 1970 का जो पीरियड था, 1970 का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिस समय इंडिया जो था, इकोनॉमिकली सिचुएशन इंडिया की बहुत वर्स थी. उस समय चारों तरफ डिससेटिस्फेक्शन का एटमॉस्फेयर था, यानी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था. तो 1967 में इंदिरा गांधी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभर कर सामने, इन्फ्लुएंशियल लीडर, प्रभावशाली नेता के रूप में सामने आई. तो ऐसे में अभी हमने ये तो हो गया कि इंदिरा गांधी कैसे एक इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में सामने आए. उसके बाद इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी बात की कि कैसे उस समय हमारा देश इकोनॉमिकली जो है वो सफर कर रहा था. तो 1971 में जब इलेक्शन हुए तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया. इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तो गरीबी हटाओ बोला, अपोजिशन पार्टी ने उसी समय, जो अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने भी उसके टक्कर में एक और स्लोगन दे दिया. वो स्लोगन कौन सा था, इंदिरा हटाओ, राइट. अब उसी समय में मीनवाइल ड्यूरिंग दैट पीरियड बांग्लादेश क्राइसिस हुए. हमें मालूम है कि एज वी ऑल नो कि बांग्लादेश जो है पहले किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का, राइट. तो बांग्लादेश की आजादी में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है. इंडिया की हेल्प से ही बांग्लादेश जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी. लेकिन बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट अ हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज इकोनॉमी. लेकिन उसका अफेक्ट भारत की, इंडिया की जो आर्थिक सिचुएशन थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा था. बहुत सारे लोग जो थे, पीपल क्रॉस्ड ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इन टू इंडिया. ईस्ट पाकिस्तान से लोग कहाँ पर आ गए थे, इंडिया में, राइट. यूएस गवर्नमेंट जो पहले एड दे रही थी, हेल्प कर रही थी इंडिया की, उसने उसको स्टॉप कर दिया, वो देना बंद कर दिया. एज ए रिजल्ट अब जब यूएस की तरफ से जो एड थी वो देनी बंद हो गई, तो नतीजा क्या निकला, हर चीज के प्राइसेस बढ़ने लगे. ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटीज, मतलब जो डेली यूज की हमारी चीजें उनके प्राइसेस भी बढ़ने लगे. नतीजा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लो. हर चीज महंगी हो गई, प्राइसेस बढ़ गए, तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी कम हो गई. एंड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी हाई. अब बट नेचुरल है, जब इंडस्ट्रीज में काम ही कम होगा तो उसकी वजह से उनके वर्कर्स जो है वो भी कम हो जाएंगे. उससे क्या इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई. इसके अलावा इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, खर्चों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. अपने जो उसके एम्प्लॉयज थे उनके सैलरीज को रोक लिया, राइट. मॉनसून, और ये तो गए गवर्नमेंट, इसके साथ साथ नेचर ने भी उस समय में जो था कॉपरेट नहीं किया. मॉनसून फेल हो गया, मॉनसून नहीं आए कब, इन 1972 से 73 के बीच में, जिसकी वजह से अब क्योंकि मॉनसून नहीं आए, बारिश कम हुई तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा, एग्रीकल्चर पर, क्लियर. तो इसकी वजह से जब पानी कम हुआ, रेन कम हुई, तो उससे डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप्स थी वो फेलियर हो गए, वो बहुत कम हुए. सो सिचुएशन वाज वर्स इन ऑल ओवर द कंट्री. इस तरीके से हर तरफ, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में देखा जाए, चाहे कॉमोडिटीज के फील्ड में देखा जाए, ऑयल प्राइसेस की तरफ अगर नजर डाली जाए, या फिर इंडस्ट्रीज की तरफ नजर डाल दे, हर तरफ जो थी सिचुएशन क्या होती जा रही थी, वर्स्ट होती जा रही थी. इकोनॉमिकली इंडिया जो था वो काफी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुका था. इस समय में जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी, held protest and students got aggressive. इन सारी सिचुएशन को देखते हुए जो नॉन कांग्रेस, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इसका फायदा उठाया. उस समय उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाजें उठानी शुरू कर दी, और जो स्टूडेंट्स थे वो भी इसके अगेंस्ट ऑपोजिशन के साथ हो गए. अब गुजरात और बिहार में मूवमेंट्स होने लगे. अब ये गुजरात मूवमेंट और बिहार मूवमेंट क्या थी, ये आपका
कंप्लीटली एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन गुजरात और बिहार मूवमेंट और कंपेयर द गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, और इट कैन कम एज एन कि व्हाट्स द डिफरेंस और व्हाट्स द सिमिलैरिटीज बिटवीन द बिहार एंड गुजरात मूवमेंट, राइट। तो दोनों मूवमेंट को पढ़ते हुए आपने माइंड में ये चीज रखनी है पहले कि कौन से पॉइंट्स इनमें सिमिलर हैं और कौन से पॉइंट्स इसमें डिफरेंस है, क्लियर। सिमिलैरिटीज इसमें क्या क्या है, दोनों के स्टार्ट होने का ईयर जो है दैट इज सेम दोनों में। आप ये देखिए, ये गुजरात मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1974 में, बिहार मूवमेंट भी स्टार्ट हुई 1974 में। डिफरेंस किस चीज का है, ओनली मंथ का। गुजरात मूवमेंट स्टार्ट हुई जनवरी 1974 में और बिहार मूवमेंट स्टार्ट हुई थी मार्च 1974 में। इनमें एक और चीज कॉमन है कि दोनों ही मूवमेंट्स किसके द्वारा लेड की गई थी, इनको चलाने वाले कौन थे, दोनों ही मूवमेंट्स में स्टूडेंट्स तो थे वो इस मूवमेंट्स को कर रहे थे, स्टूडेंट्स वर हियर इन दिस मूवमेंट्स, राइट। अब इसके बाद देन ये मूवमेंट दोनों ही, चाहे वो मूवमेंट गुजरात मूवमेंट थी और दैट मूवमेंट इज ऑफ बिहार मूवमेंट, दोनों ही मूवमेंट में क्या था, अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेस। दोनों ही मूवमेंट, चाहे वो गुजरात की थी चाहे वो बिहार की थी, दोनों मूवमेंट किस चीज के अगेंस्ट थी, जो चीजों के प्राइजेस बढ़ गए थे, जो चीजों का रेट बढ़ गया था उसके अगेंस्ट थी। फूड ग्रेन्स महंगे हो गए थे, कुकिंग ऑयल एंड अदर एसेंशियल कॉमोडिटीज, एंड अगेंस्ट करप्शन, राइट। इसी तरीके से बिहार मूवमेंट भी ऑन द सेम इश्यूज, अगेंस्ट द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल एंड अदर एसेंशियल कॉमोडिटीज एंड अगेंस्ट द करप्शन। ये भी इन जो राइजिंग ऑफ प्राइसेस था, जो चीजों के रेट बढ़े थे उसके अगेंस्ट, और दोनों ही मूवमेंट भ्रष्टाचार के करप्शन के अगेंस्ट भी थी, राइट। अब ये हो गया, इनमें अगर हम बात करें कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस में आपका इसमें और क्या आ जाएगा कि जो गुजरात मूवमेंट थी दैट वाज लेड बाय मोरारजी देसाई। गुजरात मूवमेंट को के लीडर कौन थे, कौन इसको लेड कर रहा था, मोरारजी देसाई एंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज, राइट। मोरारजी देसाई और बाकी जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी थी वो इसको लीड कर रही थी, वेयर एज बिहार मूवमेंट वॉज लेड बाय जय प्रकाश नारायण। बिहार मूवमेंट के लीडर कौन थे, जय प्रकाश नारायण, राइट। ये मूवमेंट स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी लेकिन उनके लीडर कौन थे, जय प्रकाश नारायण। ये आपके वन मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि वेन गुजरात मूवमेंट स्टार्टेड, वेन बिहार मूवमेंट स्टार्टेड, What were the demands of these movements? Clear? क्या चीज थी, किसके अगेंस्ट थी, Who was the leader of these movements? कि गुजरात मूवमेंट का लीडर कौन है, बिहार मूवमेंट का लीडर कौन है, राइट? इसके अलावा दोनों ही मूवमेंट्स में एक चीज और बिल्कुल कॉमन थी कि दोनों ही मूवमेंट्स किस चीज की डिमांड कर रही थी, दोनों ही मूवमेंट्स ये चाहती थी, चाहे वो गुजरात मूवमेंट थी चाहे बिहार मूवमेंट थी, दोनों ही मूवमेंट्स चाहती थी डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली, कि स्टेट असेंबली के इलेक्शंस दोबारा करवाए जाए, क्लियर। अल्टीमेटली जब इन मूवमेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा और मजबूर होकर अल्टीमेटली अंडर द प्रेशर फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड ऑपोजिशन पार्टीज, इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली वर हेल्ड इन 1975 में इलेक्शंस हेल्ड किए गए, इलेक्शन करवाए गए, और उन इलेक्शंस में कांग्रेस जो थी वो बुरी तरह से हार गई, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग सफर कर रहे थे, इंडिया इकोनॉमिकली सफर कर रहा था, तो इन सब कामों के लिए जो आम लोग थे वो किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। दैट इज वाई 1975 के इलेक्शंस में लोगों ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को वोट नहीं किया, राइट। इसके अलावा एक और कारण था इमरजेंसी का, दैट वॉज कंफ्लिक्ट विद जुडिशरी। जुडिशरी के साथ कुछ मतभेद हो गए थे, न्याय, हमारी जो न्याय प्रणाली है उसके साथ। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी मेनी डिफरेंसेस अरोज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अब किस तरीके से उनके बीच में इशू हुआ था कि हमारा जो थ्री कॉन्स्टिट्यूशन इशू हैज एमर्ज्ड, कैन द पार्लियामेंट एवरेजेस फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट ने मतलब ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर सकती है या उसमें कुछ चेंज कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट कैन नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा क्या था,
गवर्नमेंट ने कहा कि कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। क्या राइट टू प्रॉपर्टी का जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको भी चेंज किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है या उसको किसी तरह से अमेंड किया जा सकता है? अगेन द कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर ही नहीं है इन सच मैनर, इस तरीके से दैट राइट्स आर कर्टेल्ड। क्लियर? देन अगेन थर्ड मोर क्वेश्चन वॉज रेस्ड, द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles. कि parliament, क्या parliament constitution में amendment कर सकती है जिससे जो हमारे directive principles हैं वो effective बन सके? तो ऐसे में supreme court ने इस provision को भी समाप्त कर दिया, इसको भी reject कर दिया, right? After this decision, अब ये जब तीनों चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, तो इस डिसीजन के बाद आफ्टर दिस डिसीजन अ वैकेंसी अरोज फॉर द पोस्ट ऑफ सीजेआई। सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद आफ्टर दिस डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकली। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? अकॉर्डिंग टू रूल अपॉइंटमेंट किसकी होती है? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। बट इन 1973 जब सीजेआई की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करनी थी, जब उसकी पोस्ट निकली, तो 1973 में द गवर्नमेंट डिड नॉट सिलेक्ट थ्री सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया वो सुपर जो सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से किसी को भी जो था सीजेआई नहीं बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट अपॉइंट नहीं किया, एंड अपॉइंटेड जस्टिस ए एन रॉय एज एन सीजेआई। और उन्होंने किसको सेलेक्ट कर लिया? जस्टिस ए एन रॉय को। इट कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन, राइट? अब ऐसे में क्या हुआ, जो तीन सीनियर मोस्ट जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, एक्चुअल में तो उनका राइट बनता था अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन सीनियर मोस्ट जजेस में से ही एक को जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रूल को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये जस्टिस जो जजेस थे ये भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। द अपॉइंटमेंट बिकेम पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल। इसलिए ये जो चीफ जस्टिस एन रॉय की जो ये सिलेक्शन की गई थी, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया, एक मुद्दा बन गया, पॉलिटिकली ये काफी हाईलाइट हुआ कि ऐसा जो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर वो कैसे कोई भी काम कर सकती है। क्लियर? अब यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना था? क्लियर? कौन सा वैसे एक्चुअल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किससे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे बनाया जा सकता है? हु कैन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? एनी क्वेश्चन कैन कम। देन डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। अब ये जितने भी हमने पीछे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट किया है, जो बैकग्राउंड किया है, जो बिहार मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, गुजरात मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, एज वेल एज जो हमने अभी जुडिशरी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है, ये सभी जो थे किसका कारण बने? डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी का, राइट? ऑन 12th June 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट पास्ट अ जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधीज इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। उन्होंने कहा, उन्होंने एक जो थी एक जजमेंट पास किया, उसके अकॉर्डिंग जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो इंदिरा गांधी एज ए एमपी चुनी गई थी, उन्होंने उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब जब किसी भी जो कोई भी हमारा अगर रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसके इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू दैट तो वो सीट का हकदार ही नहीं रहता, राइट? तो अ सोशलिस्ट लीडर राज नारायण फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट इंदिरा गांधी। जब इलेक्शन इनवैलिड हो गए, तो राज नारायण ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल कर दिया दैट शी हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स
इन हर इलेक्शन कैंपेन। इनवैलिड क्यों कहा गया? उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन के दौरान कैंपेन होता है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूज किया था, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है इलेक्शन के दौरान आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट व्हीकल्स का, किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? इट मीन्स दैट लीगली शी वॉज नो मोर एन एमपी। इसीलिए इसका मतलब क्या था कि जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने ये जजमेंट दे दिया कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन जो लोकसभा के थे वो इनवैलिड है, राइट? तो ऐसे में लीगली क्या हुआ, शी वॉज नो मोर एमपी, वो इसके बाद वो एमपी रह ही नहीं सकती। कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर। अब जब एमपी ही नहीं होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे रह सकती है? क्लियर? ऐसे में अनलेस शी वाज वंस अगेन इलेक्टेड एज एमपी विद इन 6 मंथ, फिर एक कंडीशन रखती कि 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन होंगे, और अगर 6 मंथ के अंदर दोबारा इलेक्शंस में वो एमपी बनकर आ जाती हैं, ओनली देन शी कुड कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टरशिप। अदरवाइज उसको, उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो एमपी ही नहीं रही, राइट? ऑन June 24th, अब ये सारे जितने भी इंसिडेंट्स हैं, ये सारा हुआ था 12 जून 1975 को, क्लियर? जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना ऑर्डर किया। अब ऑन 24th जून, 12 डेज के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर। ये था हाई कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने ये कहा कि she could remain an MP but could not take part in the proceeding of Lok Sabha, कि वो MP तो रह सकती हैं, लेकिन वो parliamentary अगर कोई भी activity होती है, लोकसभा की कोई भी proceeding होती है, कोई भी लोकसभा के session होता है, तो उसमें वो proceed नहीं कर सकती, वहाँ पर बोलने का right उन्हें नहीं है। ऐसे में the opposition political parties लेड बाय जयप्रकाश नारायण, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एमपी तो है लेकिन वो पार्लियामेंट्री उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जबकि पहले ये कहा गया कि जब इलेक्शन इनवैलिड है, हाई कोर्ट ने कहा था इनवैलिड है, तो वो एमपी नहीं है, एमपी नहीं है तो इसलिए उसे विद इन 6 मंथ दोबारा इलेक्शन लड़ने होंगे, और उसमें अगर वो 6 मंथ में दोबारा से एमपी बन जाती है, ओनली देन शी कुड फंक्शन एज एन प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो ऐसे में क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सेस, इस सब के पीछे दोबारा से फिर लोगों के, ऑपोजिशन पार्टीज के क्या रिस्पॉन्स आए, कैसे क्राइसिस जो थे वो डेवलप हुए। द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय जयप्रकाश नारायण, हु वाज द लीडर एट दैट टाइम ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, इट कैन कम एज एन वन मैक क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी हु वाज द लीडर। जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन, इसीलिए जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने किस चीज का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एमपी रह सकती है लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि वो एमपी नहीं रह सकती, तो उन्होंने इस इंदिरा गांधी पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि क्योंकि इलेक्शन इनवैलिड थे इसलिए उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो इनवैलिड थे, राइट? तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए। On 25th June 1975, कौन सी डेट को? 25th June 1975, जयप्रकाश नारायण अनाउंस्ड दैट अ नेशनवाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? नेशनवाइड मतलब पूरे इंडिया में एक सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब ये सत्याग्रह मूवमेंट किसके लिए थी? फॉर हर रेजिग्नेशन, कि इंदिरा गांधी को अब प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर देना चाहिए। एंड आस्क द आर्मी, द पुलिस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स। और उन्होंने पुलिस को, आर्मी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सबको ये बोला कि कोई भी इंदिरा गांधी के इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्शन जो थे वो इनवैलिड हैं, इलेक्शन इनवैलिड हैं, तो इसलिए वो एमपी नहीं हो सकती, और उन्हें क्योंकि राज्यसभा की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है, वो नहीं कर सकती, तो ऐसे में उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में फंक्शन करने का भी कोई राइट नहीं है। जब वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन सकती तो उनके ऑर्डर को क्यों फॉलो किया जाए,
राइट, द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न्ड अगेंस्ट द कांग्रेस। पूरा पॉलिटिकल जो सिचुएशन था वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गया, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट हो गया। ऑन 25th June 1975, द गवर्नमेंट डिक्लेयर, अब 20 हमने अभी देखा कि ऑन 25th जून 1975 को ही जयप्रकाश ने नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए। उसी दिन गवर्नमेंट ने, अब इंदिरा गांधी ने क्या, आप कौन सी पॉलिसी चलाई, क्या चीज उन्होंने अपना, मतलब किस तरीके से खुद को सेव किया, द गवर्नमेंट डिक्लेयर अ स्टेट एमरजेंसी। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उन्होंने एकदम से पूरे इंडिया में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, किस लिए की, ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय द आर्टिकल 352। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 352 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 है, ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आर्टिकल 352 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और अ थ्रेट हैड अराइजन व्हिच मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी नेसेसरी। कि अगर किसी भी तरीके से देश को कोई खतरा है, किसी तरह की कोई इंटरनल एक्सटर्नल या इंटरनल कोई थ्रेट में है जिससे कि देश की यूनिटी को खतरा हो सकता है, देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट जो है, जो उस समय रूलिंग पार्टी है, वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, राइट। और अगर ऐसे समय में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उसका क्या नतीजा होता है, तो जब इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो जाए, इमरजेंसी शुरू हो जाए, तो ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी के पास कोई पावर नहीं थी, क्लियर। उन्हें खुद को विद इन 6 मंथ इलेक्शंस करवाकर फिर से खुद को प्रूव करना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चालाकी से आर्टिकल 352 को यूज किया। अब आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग कि अगर इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अगर देश में किसी भी तरह का कोई थ्रेट है, कोई सिक्योरिटी को खतरा है, कोई इंटरनल यूनिटी को खतरा है, कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, तो ऐसे में इमरजेंसी लगने पर सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाएंगी, गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि अगेन टू द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, क्लियर। अब ये जब उन्होंने, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि सारी पावर्स अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने किस चीज को लगा दिया, आर्टिकल 352 का यूज करके शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी स्टेट, राइट। यानी कितनी बड़ी स्टोरी है पूरी इसमें कि उन्होंने क्यों शुरू किया, क्यों इमरजेंसी को डिक्लेयर किया। देन द गवर्नमेंट आल्सो गेट्स द पावर टू रिस्ट्रिक्ट। अब गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी और पावर भी, एक तो सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाती हैं, दूसरा उसके पास पावर आ जाती है फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करने की। गवर्नमेंट आल्सो गेट्स द पावर टू रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट की वजह से देश की सिक्योरिटी को खतरा है, तो ऐसे में इमरजेंसी आने पर वो फंडामेंटल, एक फंडामेंटल राइट या सारे फंडामेंटल राइट्स, डिपेंड ऑन सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें भी खत्म कर सकता है, राइट। तो ऑन द नाइट ऑफ 25th June 1975 द प्रेसिडेंट फारुखद्दीन अली अहमद डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन इंडिया। कोई भी डिसीजन है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, रूलिंग पार्टी के द्वारा लिया जाता है, लेकिन वो फाइनल तभी माना जाता है जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है। तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को प्रेसिडेंट फारुखद्दीन अली अहमद ने इसको डिक्लेयर किया, इसको अप्रूव किया और 25th June 1970 मिडनाइट में इमरजेंसी डिक्लेयर, क्लियर। और इसकी जो इंफॉर्मेशन थी इस, अब क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, ताकि लोगों को कहां पर क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसी है, किस साइड पर कौन से एरिया में कौन सी मूवमेंट चल रही है, इस चीज का पता ना चले। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि जो ये मूवमेंट उनके अगेंस्ट हो रही है उसको दबाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल मेजर न्यूज पेपर ऑफिस वॉज डिसकनेक्टेड।
यानी एक तरह से सेंसरशिप लगा दी, वहां की सारी की इलेक्ट्रिसिटी काट दी ताकि कोई न्यूज ही पब्लिश ना हो पाए। इन द अर्ली मॉर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी वर अरेस्टेड, जितने भी अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया। रात में इमरजेंसी डिक्लेयर की, किसी के पास मौका ही नहीं मिला, उन्हें समय ही नहीं मिला इधर उधर कहीं जाने का, और अर्ली मॉर्निंग उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, इवन जो कैबिनेट मेंबर्स थे, जो गवर्नमेंट की कैबिनेट थी, उसको उनको भी कब इन्फॉर्म किया गया, स्पेशल मीट एट 6 AM ऑन 26 जून आफ्टर ऑल दिस हैज टेकन प्लेस, यानी ये डिसीजन लेने से पहले इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मेंबर्स जो थे उनके साथ भी किसी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं किया, कोई डिस्कशन उनके साथ भी नहीं किया, और अपने ही आप ये सारे डिसीजन लेकर रात में ही इमरजेंसी डिक्लेयर की, और कैबिनेट मेंबर्स को भी इसका पता कब चला, अगले दिन मॉर्निंग एट 6 AM ऑन 26 जून, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमरजेंसी, की इमरजेंसी क्यों लगाई गई, कैसे लगाई गई और उसके पीछे रीजंस क्या थे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इमरजेंसी। इनमें जितने भी आपके ये नाम है, इयर्स है, ऑल दिस कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन, इज इट क्लियर। सो ऑल दिस इज अबाउट द रीजंस ऑफ इमरजेंसी। थैंक यू। होएगी स्टॉप।